हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चार्टर्ड ट्रेड में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज़ हो, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो, कोई भी मल्टीबैगर आइडियाज़ हो, कुछ भी आपसे नहीं छूटे। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीकेंड अपने कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स, कुछ मोमेंटम पिक्स की बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों अपने बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एडुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी स्टॉक आइडियाज़ लेने से पहले, कोई भी ट्रेड आइडियाज़ लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आज हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग उन्हें लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट ले लेते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए क्या पिक्स हैं मेरे, उस पर बात कर लेते हैं। आप देखोगे मैंने रेन इंडस्ट्री दिया था, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी दिया था। रेन इंडस्ट्री में लेस देन एक मंथ में 16% का रिटर्न मिला। मैं बार बार इसको दिए जा रहा था कि रेन इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको लीजिए। इसने अपने इंटरमीडिएट टारगेट 225 से 230 का अचीव कर लिया है। बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। इट इस श्योर टू गो टू 300 लेवल्स। इसके 300 के टारगेट अभी भी ओपन है, तो इस ब्रेकआउट को मत मिस करिए। थोड़ा सा अगर अगर आपने मिस कर भी दिया है तो डिप में अगर 210 215 के करीब आता है फिर से लीजिए 195 के स्टॉप लॉस से। मेरे लास्ट वीक का पिक में था CCL प्रोडक्ट भी मैंने दिया था, जिसने कि सिंगल डे में 7% का रिटर्न दिया। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स है या जिन लोगों को ये वीकली रिपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने देखा होगा कि सिंगल डे पे ही उनको 395 के ऊपर 430 तक का लेवल विद इन फ्यू आवर्स मिल गया था, आई रेदर टू से विद इन फ्यू मिनट्स मिल गया था। तो चलिए दोस्तों, ये तो कुछ परफॉर्मेंस अपडेट्स की बातें थी। अब जैसे देखोगे कि मेरे गोल्डन रिपोर्ट्स में मैंने बैंक निफ्टी का पिक दिया था, जिसमें कि 500 पॉइंट्स मिला। बजाज फिंसर्व का पिक दिया था, जिसमें कि 800 पॉइंट्स मिला। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ माई वीकली पिक्स, कि जिसमें आपको श्योर शॉट प्रॉफिट्स मिलते ही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैं अगले वीक के पिक के लिए, जिसमें कि मेरे दो पिक्स हैं, जेंसार टेक्नोलॉजीज और किटेक्स गारमेंट्स। जेंसार टेक्नोलॉजी, मैंने इसके आगे भी एक मेरे मल्टीबैगर आइडियाज़ में मैंने जेंसार टेक्नोलॉजी की चर्चा की थी। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जेंसार टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने वीडियो दिया था लास्ट वीक, ज़रूर देखें। और किटेक्स गारमेंट मेरा लेटेस्ट एडिशन है इस वीक के पिक्स के लिए। तो आइए बात करते हैं इन दोनों पिक्स के ऊपर में। जेंसार टेक्नोलॉजीज में आप जैसा देखोगे, प्राइस हैज़ फॉर्म्ड ए डबल टॉप अराउंड हेयर। ठीक है दोस्तों, ये 350 से 355 के इसके एक डबल टॉप का कन्फर्मेशन होगा ब्रेकआउट का। लेट इट ब्रेक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्राइसेस इसको ब्रेक करेगा, वापस इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, एंड देन आप इस पर लॉन्ग पोजिशन बनाइए। टारगेट 400 से 500 रुपये का रखिए। 400 फोर ए वीक और 10 डेज, एंड 500 फोर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 मंथ। छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए। जो लोग पोजिशनल टारगेट ले रहे हैं 500 के लिए, उन लोग 300 का स्टॉप लॉस डालिए। जो लोग ट्रेडर है 5-10 दिन के स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, उन लोग 325 का स्टॉप लॉस डालिए। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है। मैंने फंडामेंटल डिटेल्स इसके अपने वीडियो में शेयर किए थे, बट आपको 2-3 की पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, हेल्दी पे आउट रेशियो है, एंड प्रमोटर होल्डिंग 49.2% है और FII के पास 16% माल है। तो इसमें सारे स्पाइसेस, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो ये स्टॉक को मल्टीबैगर बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किटेक्स गारमेंट्स पे। किटेक्स गारमेंट मेरे को बहुत अच्छा चार्ट सेटअप लग रहा है। इसके वीकली चार्ट में एक 3 ईयर्स का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। जुलाई 2018 से ये देखिए, ये जो बेस है मैंने ये मार्क कर रखा है, दिस इज़ द लेवल की एक राउंडिंग बॉटम बना है। ठीक है, द स्टॉक हैज कम क्लोज टू इस 200 EMA। पिछले बार भी इसने 200 EMA को टच करके इट वेंट डाउन टू टेस्ट इस सपोर्ट जोन। तो अब अपने वेट करते हैं, लेट इट क्लोज अबव दिस 200 EMA। नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूजडे इस EMA के ऊपर चलता है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 130 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें एंट्री करने का है। 140 पे इस बंद हुआ है, 140 के ही रेंज पे, 40-41 के रेंज पे ये 200 EMA। तो प्राइसेस को वंस लेट गो अबव 150,
150 के ऊपर चलता है तो आप 130 के स्टॉप लॉस पे इसको लॉन्ग करिए, एंड द टारगेट शुड बी 180 टू 200 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 डेज और अ मंथ। और अगर कोई होल्ड करना चाहते हैं इसको कुछ अच्छे गेंस के लिए, तो ही कैन होल्ड इट, द गेंस कुड बी अराउंड 250 to 300 ऑल्सो। प्रमोटर के पास 55.5% होल्डिंग है, लिटरली लो डेप्ट या डेप्ट फ्री कंपनी है ये, इसने अपने डेप्ट को बहुत तरीके से कम कर लिया है काफ़ी हद तक, लिटरली अपने कह सकते हैं इट्स नियरली डेप्ट फ्री कंपनी। डिविडेंड पे आउट रेशियो 18.4% है, बस कंपनी की एक ही डीमेरिट है कि ये अपना सेल्स को नहीं बढ़ा पा रही है लास्ट 5 ईयर्स में। बट इसका एक प्रॉस ये भी है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन्फेंट्स अपैरल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों दिस इज़ इट, राउंडिंग बॉटम 3 ईयर्स का राउंडिंग बॉटम है, जस्ट ये 200 DMA के ऊपर क्लोज दे रहा है, दिया है विथ द वेरी गुड वॉल्यूम, विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम, यू कैन सी द वॉल्यूम ग्राफ है। तो दोस्तों दिस इज़ अ सियोर शॉट बाई अबव 150 एंड इट कैन बी ए मल्टी बैगर ऑल्सो। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमें हमारे डिजिटल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है chartandtrade.com। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, मैं टेलीग्राम पे भी रोज़ आइडियाज़ देता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान या कोई भी क्वेरीज हो। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं आइडियाज़ देते रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब में डेली इंडेक्स के आइडियाज़, स्टॉक्स के आइडियाज़ मैं सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। दैट्स इट दोस्तों, तो अब तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खूब सारा लाइक करिए, खूब सारे सब कमेंट्स करिए, ताकि आपका ये सपोर्ट मेरे को मिलते रहे, ताकि मैं और वीडियोस बनाते रहूँ और ऐसे ही प्रॉफिटेबल आइडियाज़ आपको शेयर करते रहूँ। थैंक यू दोस्तों।